YouTube पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो गलत जानकारियां फैलाने का काम करते हैं। वो ऐसा करते हुए पैसे कमाते हैं। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के लिए क्लिकबेट थंबनेल और सनसनीखेज टाइटल रखते हैं ताकि लोग उत्सुक होकर वीडियो पर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल नेशन टीवी की। इसके लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स है और ये चैनल बीजेपी के खिलाफ गलत जानकारियां फैलाता है या यूं कहे कि कांग्रेस के समर्थन में गलत जानकारी फैलाने का काम करता है। हाल ही में इस चैनल ने दावा किया था कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब भाजपा सांसद हेमा मालिनी का भी साथ मिल गया है और उन्होंने इशारों में मोदी शाह पर करारा हमला बोला है। हेमा मालिनी ने कहा, समाज में जो नफरत फैलाने और आपसी दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसे यह भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेगी। तोड़ने के खिलाफ जोड़ने की हर कोशिश सराहनीय है, बशर्ते यह वोट तोड़ने के बजाय लोग को जोड़े। दो धर्मों के बीच फैल रही नफरत को हटाकर उनके बीच आपसी सद्भाव को बढ़ाए तब तो कांग्रेस की यह यात्रा सफल होगी। ये दावा सरासर गलत था, ऐसी कोई खबर कहीं थी ही नहीं। चैनल ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत भी नहीं दिया कि कहां और किस वक्त हेमा मालिनी ने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने की बात की। इस चैनल ने फरवरी 2022 में हुई रैली का एक वीडियो म्यूट पर चलाकर ये गलत दावा चलाया था। इसी तरह चैनल ने बिना किसी सबूत के ये दावा कर दिया कि पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सामने आई। इसी बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी का भी साथ मिल गया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए इशारों में मोदी साहब पर करारा वार किया है। यशोदाबेन मोदी ने कहा, समाज में जो नफरत फैलाने और आपसी दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसे यह भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेगी। तोड़ने के खिलाफ जोड़ने की हर कोशिश सराहनीय है, बशर्ते यह वोट जोड़ने के बजाय लोगों को जोड़े। दो धर्मों के बीच फैल रही नफरत को हटाकर उनके बीच आपसी सद्भाव को बढ़ाए तब तो कांग्रेस की यह यात्रा सफल होगी। ये दावा भी बेबुनियाद निकला, इस दावे का कोई आधार नहीं था। नेशन टीवी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसका टाइटल है, गुजरात चुनाव से पहले बुरे फंसे प्रधानमंत्री मोदी का गुप्त वीडियो गलती से हुआ लीक, पूरे देश में थू। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मारी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, वायरल हुआ पीएम मोदी का पुराना वीडियो, लोगों ने लिए मजे। वीडियो के थंबनेल में चैनल ने पीएम मोदी के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को रखा है और ब्रेकिंग न्यूज में बताया जा रहा है कि मोदी का गुप्त वीडियो गलती से लीक हुआ, जबकि इस वीडियो में स्मृति ईरानी का जिक्र भी नहीं है। ऑल न्यूज ने पाया कि थंबनेल और वीडियो के कंटेंट का कोई रिश्ता नाता नहीं है। 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के दिए गए बयान को उठाकर ये वीडियो बनाया गया। इसी तरह चैनल ने नितिन गडकरी और पत्रकार रविश कुमार के बारे में भी ऐसा ही दावा किया कि उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और इसका हिस्सा बने। इसी बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी धड़ल्ले से वायरल हो रहा, जिसमें वे प्रधानमंत्री पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। नितिन गडकरी कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वह लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ विरोध करना जनता का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, इसे कोई कुचल नहीं सकता। ये दावे भी गलत थे, नितिन गडकरी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने की बात का कोई सबूत नहीं है। साथ ही चैनल ने 2011 का एक वीडियो उठाकर ये गलत दावा किया था। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को अब एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का भी साथ मिल गया है और उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए मोदी शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई। रवीश कुमार ने कहा, भाजपा के नेता प्रोपोगंडा फैलाने में माहिर है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपने काम में लग गई है, लेकिन इस बार उनके नेताओं ने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। रवीश कुमार ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत कामयाबी के साथ चल रही है, तमिलनाडु में, केरल में, सब जगह शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है।
क्योंकि मुद्दे ही ऐसे हैं देश के सामने, चाहे वो महंगाई का हो या बेरोजगारी का। जनता चाहती है कि देश में लोग प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत व सद्भाव से रहें। देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्र, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर देश के सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, वैसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर सामने आई है। ऑल्ट न्यूज को रविश कुमार ने बताया कि वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं बने हैं। इतना ही नहीं, इस चैनल द्वारा फैलाई जाने वाली गलत खबरों की लिस्ट बड़ी लंबी है। चैनल ने अमिताभ बच्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का दावा किया। हालांकि ये सारे दावे भी गलत थे। चैनल ने ये भी गलत दावा किया कि बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल, सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गुलाम नबी आजाद भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। ये सभी दावे हवा में किए गए हैं। इन लोगों के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। चैनल द्वारा इस यात्रा में राजनाथ सिंह और मायावती के शामिल होने के दावे भी गलत है। आपने देखा होगा कि इस चैनल के वीडियोस का एक पैटर्न है। ये खुद को न्यूज चैनल जैसा दिखाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज जैसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है। आइए आपको बताते हैं कि ये चैनल कौन चलाता है और कैसे हमने इस बात का पता लगाया। नेशन टीवी के अबाउट सेक्शन में दी गई ईमेल आईडी को गूगल पर सर्च करने से हमें एक और चैनल संवाद टीवी मिला। ये एक वेरीफाइड चैनल है जिसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इस चैनल के फीचर चैनल में नेशन टीवी का नाम भी है, यानी संवाद टीवी, संवाद समाचार, नेशन टीवी और भारत टीवी को कोई एक ही व्यक्ति चलाता है। हालांकि अब चैनल के अबाउट सेक्शन में से ईमेल की जानकारी हटा दी गई है। हमने देखा कि संवाद टीवी भी एक प्रोपेगेंडा चैनल है। इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी पर भी अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सनसनीखेज के तौर पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। संवाद टीवी के ट्विटर पर सिर्फ 74 फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स की लिस्ट में से एक नाम है नीरज तिवारी का, जो खुद को नेशन टीवी का प्राउड रिपोर्टर बताता है। गौर करने वाली बात यह है कि इसका हैंडल नेम भी नेशन टीवी की तरह ही है। नीरज तिवारी के बायो में भी नेशन टीवी के यूट्यूब चैनल का लिंक है। नीरज तिवारी फेसबुक पर अक्सर नेशन टीवी के वीडियोस कई कांग्रेस समर्थक फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं। हमने इस चैनल से संपर्क किया। इन्होंने बताया कि ये वीडियो पर व्यूज पाने के लिए ऐसे थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। हमने यूट्यूब से भी संपर्क किया। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। यानी 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल नेशन टीवी गलत जानकारियों से अपने दर्शकों को गुमराह कर रहा है। ये चैनल खासकर बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करता है। इसके अलावा वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने भी इन गलत जानकारियों के बारे में इतने वक्त तक कोई एक्शन नहीं लिया। और जब ऑल्ट न्यूज द्वारा नेशन टीवी के वीडियोस की गलत जानकारियों के बारे में पॉइंट आउट किया गया तो उन्होंने चैनल के सिर्फ कुछ वीडियोस ही हटाए। हालांकि ये काफी चिंताजनक बात है कि किस तरह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी ही पॉलिसी के मुताबिक काम करने में चूक रहे हैं।